मेरा नाम मुख्तार अहमद है जी। और मेरे वालद का नाम इरशाद अहमद है। मैं पांचवी क्लास में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, तो बड़ी साफ बोल रहे, तुम्हारी आवाज़ तो बिल्कुल साफ समझ आ रही है, फासला भी सही रखा हुआ है तुमने। हाँ बताओ। मेरा सवाल ये था कि है अभी तक है, सवाल ये है कि कराची के हो पीछे से जी? पीछे से कराची से आए हो? नहीं, कहाँ से? रब्बा से। रब्बा के कहाँ के? दारुन नसर। अच्छा, ये सवाल था तो अमून कराची वाले कहते हैं ये स्टाइल में, हमारा ये सवाल था। बताओ कि जब खून बह जाता है तो वजू क्यों टूट जाता है? किससे वजू टूटता है? वजू जब खून निकलता है तो खून निकलने की जो ये मुय्यन नहीं है कि कितना खून निकले तो वजू टूटता है। खून एक कतरा दो कतरे खून निकल जाए, कोई सुई चुभ जाए, कोई वजू नहीं टूटता उससे। खून निकलने का मतलब एक चोट लगती है, ज़ख्म होता है तो उससे गंद फैलता है ना जिस्म पर, और बाद में कमज़ोरी भी पैदा होती है, रिफ़्रेश होना चाहता है इंसान, धोता है अपने आप को। तो यही कुदरती तभी रद्द अमल जो है ये तकाजा करता है कि नमाज से पहले अपने आप को ज़रा ठीक ठाक कर लो, फ्रेश कर लो। उसी गंदी हालत में नमाज़ पढ़ने से तवज्जो ठीक कायम नहीं हो सकती। समझे हो? शुक्रिया।